ये भी कोई जिम्मेवारी होती होगी? नहीं, बिल्कुल है। जिन जिन लोगों ने एफिडेविट डिप्टी कमिश्नर को दिया है और उससे फालतू फोर्स वहाँ लोग एक्युमुलेट हुए हैं, तो वो जिम्मेवारी उनकी होती है। वो लिखित में देते हैं हर चीज़ पर कि अगर इससे एक्सेस आएंगे, अगर वहाँ एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड, पुलिस, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उन लोगों के नंबर्स को देखते हुए कि वहां पर अरेंज करें। उससे फालतू लोग आते हैं तो फालतू फोर्स की जरूरत पड़ती है। मैंने तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की स्टेटमेंट सुनी है और उसके अंदर क्लैरिटी है। अब जो स्टेटमेंट डीसी के पास है उसको मैं तो नहीं अभी तक पढ़ पाया। आप चाहते हो तो मैं वो लिखित में मंगा के आपको दे दूं। तो 3,000 और हजारों में कितना अंतर होता है अंकित जी? आप भी इतने तो जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है उनका नाम आया है बॉर्डर में, जिस तरह के हमले हुए बताते हैं कि राजस्थान की सरकार है, तो क्या आपको इस तरह की भी बू आ रही है कि कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है मेवात की दिशा में? क्या है, क्यों हुआ है, अगर आज इस पे टिप्पणी हम करेंगे तो अच्छी नहीं है। लेट पुलिस इन्वेस्टिगेट, और पुलिस अपना काम कर रही है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इसको प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं। जो जो लोग हैं, और मैं ये नहीं कहता कि सोशल एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट, सब कोई पॉलिटिकल होगा और कोई ऑफिशियल होगा, जो जिसकी कमी, जिसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें पाई गई है, एवरीबडी विल बी टेकन टू टास्क, सबके खिलाफ कार्रवाई। नहीं, मैं तो उसका स्वागत करता जो उनने बात लिखी है, विदाउट प्रायर नोटिसेस इस तरह का एक्शन हुआ है, उसको हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया है और वील टेक इट फॉरवर्ड। देखिए किस चीज को सुओ मोटो क्या सोच कर लिया है। अगर हाईकोर्ट ने इलीगल कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध कोई फैसला लिया है कि उसको तोड़ने से पहले नोटिसेस दो, हमारे प्रदेश में नोटिसेस इशू भी हुए हैं, निरंतर इशू होते रहे, विल फाइल अ रिप्लाई टू हाई कोर्ट। जी सुओ मोटो लेके जो स्टे दिया है उनने सरकार से रिप्लाई मांगा है, उस चीज के ऊपर सरकार रिप्लाई देगी। नहीं, उनने जवाब मांगे, मैं तो उसका स्वागत करता हूँ। सरकार से डिमोलेशन कोई तंत्र ऐसा है जो व्यवस्था बिगाड़ने में इन्वॉल्व रहा है और उसका इलीगल तरीके से वहां पर कुछ बना हुआ है, उसका सरकार एक्शन लेती है, तो हाईकोर्ट भी इस चीज को अलाउड करता है? नहीं करेगा। अगर हमने नोटिस दे रखा है 30 दिन का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, तो वील फाइल ए रिप्लाई विद फैक्ट्स। किसी किसी चीज के लिए भी इलीगल कंस्ट्रक्शन का अगर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने नोटिस दिया है उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, जल्द रिप्लाई फाइल कर दिया जाएगा फैक्चुअली। चलिए हमारा काम है, लेट अस फाइल ए रिप्लाई हाईकोर्ट।